क्राम आप सब कैसे हैं आज हम उसी के सबक नंबर पचास को पढ़ेंगे आज के सबक का वान है तयम के मुख्तलफी दियुंग मुख मसाइल आज के सबक की हमारी इबारत शुरू होती है वाला वाजा युखर रजुलमसाइलो से आइए सबसे पहले इबारत का तर्जुमा और उसकी वजाहत को पढ़ते हैं मुशनफ़रम लिखते हैं वाल हाजा युखर रजुलमसाला मज़हबीनी और इसी इख्तलाफ पर मसाइल को निकाला जाता है दोनों मजहबों पर मिन जवाज ही कब्लव यानी तयम का वक्त नमाज से पहले जायज़ होना व अदाफरदीनी मिन वाहिदिन और दो फ़र्ज़ों का एक ही तयम से अदा करना व इमामतव इना और वजू करने वालों को मत का नमाज पढ़ाना उनकी इमामत करना व जवाज ही बद खौफ तलफ नफ्स अबिल बिलवद और ब़ैर इस खौफ के के नफ्स तलफ़ हो जाएगा या कोई उस तल्फ हो जाएगा बुजू के साथ इस खौफ के बगैर तयम का जायज होना व जवाज ही वल और ते का और का ईद नमाज जनाजा के लिए जायज होना व जवाज ही बनीयत तहारत और तयम का महज तहारत की नीयत के साथ ही जायज़ होना ये थी हमारी इबारत और उसका तर्जमा आइए अब इसकी वजाहत की तरफ बढ़ते हैं इससे पहले मुशनफ़ अमा ने इमाम आजम अबू हनीफा और इमाम शाफ मुहमा के दरम्यान तयम के तहारत के मुतक इख्लाफ को बयान किया था इमाम आजम के नज़दिक तयम तहारत मुतलका है जबकि इमाम शाफ़ी के इसके मतलक दो कौल हैं ताहम मशहूर कौल तहारत ज़रूरिया वाला ही है इसी इख्तलाफ की बिना पर दोनों आयमा के दरमियान कई मसाइल में इख्तलाफ पड़ जाता है मुसन्फ़ उन मसाइल को यहाँ से बयान करना चाह रहे हैं अब सिर्फ इस इख्तलाफ की वजह से कि तयम तहारत मुतलका है या तहारत ज़रूरिया है तकरीबन कमोबेश छः मसाइल ऐसे मुख्तलफ ही इसकी वजह से पैदा होते हैं हम तरतीबार उनको समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहला मसला जिस में इख्तिलाफ होता है वो मुशनफरमन जवाज़ ही कबल वक्त से बयान किया कि तयम का वक्त नमाज से पहले ही जायज़ होना इमाम आज़म के नजीक नमाज का वक्त दाखिल होने से पहले तयम करना जायज़ है क्योंकि तयम वजू का बदल मुतल है कि जिस तरह वजू वक्त से पहले करना जायज है तो इसी तरह जो वजू का बदल है जो उसका नायब है यानी तयम तो वो भी वक्त से पहले किया जा सकता है ये वक्त से पहले तयम करना जायज है जबकि इमाम शाफे के नजदीक नमाज का वक्त दाखिल होने से पहले तयम करना ये जायज नहीं है क्यों इसलिए कि तयम तहारत जरूरिया है और जरूरत तो वक्त के दाखिल होने के बाद पेश आएगी लिहाजा वक्त जब दाखिल होगा तो तभी तयम की इजाजत मिल सकेगी वक्त से पहले तयम जायज नहीं होगा तो अब चूंकि तहारतीफे का है और तयम की जरूरत कब पड़ेगी जब नमाज को अदा करने का खिताब मतवज होगा और बंदा बुजू को नहीं कर पाएगा पानी नहीं पाएगा तो लिहाजा अब उसके लिए तयम करना ये जरूरत बन गई है जबकि इमाम आज़म रहमतुल्लाह रमत के नजदीक कि वज़ू का नायब तयम है तो जैसे वज़ू नमाज से पहले किया जा सकता है उसका वक्त दाखिल वाले ना हुआ हो ऐसे ही तयम भी किया जा सकता है ये पहला मुख्तलफी मसला था दूसरा मसला वदाफरदइन से मुशनफ अलरहन ने बयान किया कि दो फर्ज़ों का एक ही तयम से अदा कर देना इमाम आजम के नजदीक एक तयम से जितनी नमाजें चाहें वो पढ़ सकते हैं चूंकि तयम वजू का बदल है कि जिस तरह एक वजू से मुतद फरायज़ नमाजें पढ़ी जा सकती हैं, इसी तरह एक तयम से भी मुत्द नमाजें पढ़ सकते हैं जबकि इमाम शाफे के नज़दीक एक तयम से सिर्फ एक ही फर्ज नमाज पढ़ सकते हैं कि जिसके लिए तयम किया है अब इस फर्जों से मुराद वनोन वो जो उसके साथ होते हैं वो भी शामिल है अब चूंकि तयम तहारत ज़रूरिया है और जरूरत एक फर्ज नमाज की है तो अब वो उसी तक ही महदूद रहेगी इससे ज्यादा नहीं पड़ी जा सकेगी लिहाजा ये फर्ज नमाज की अदायगी के ऊपर ही मुनसर होगा जैसे फर्ज नमाज अदा कर ली अब चूंकि जरूरत बाकी नहीं रही तो लिहाजा अब अगली नमाजों के लिए या उसके बाद के लिए तहारत का बाकी रहना ये इमाम शाफी के यहाँ दुरुस्त नहीं होगा ये दूसरा मसला था और तीसरा मसला मुशनफरम इमाम से बयान किया कि मतम जो तयम करने वाला है उसका वजू वालों की इमामत करना तो अब इमाम आज़म के नज़ीक तयम करने वाले शख्स की इमामत वजू करने वाले शख्स के लिए ये दुरुस्त है यानी मत इमाम हो और मतवी जो है जो वजू करने वाला है वो मुक्त हो तो ये इमाम अजम के दुरुस्त है क्योंकि तयम तहारत मुतल इमाम शाफी के नजदीक तयम करने वाले के पीछे वजू करने वाले की नमाज दुरुस्त नहीं होगी उसकी वजह यह है कि मुख्तियों की हालत बनस्बत इमाम की हालत के आला है लिहाजा आला की नमाज अदना हालत वाले के पीछे नहीं हो सकती के इमाम कम अज कम मक्तदियों से अगर आला नहीं है तो बराबर तो कम अज कम हो अब चूंकि इमाम इमाम शाफी के हाँ, वो अदना हालत में है कि वो मुतम है और जो है वो ज़रूरिया को हासिल किए है जबकि जो मुक्तदी हैं वो मुतवदी है और उनको तहारत मुतल है तो लिहाजा तहारत जरूरिया वाले के पीछे तहारत मुतल वालों की नमाज नहीं होगी ये इमाम शाफी के नज़ीक है जबकि अनाफ के यहाँ क्योंकि जैसे तहारत मुतल वजू से हासिल होती है ऐसी ही तहारत मुतल तयम से भी हासिल होती है लिहाजा मुतय के पीछे मुतवदी की नमाज दुरुस्त होगी तो अब ये था तीसरा वो मसला जो मुख्तलफ ही था इस सबका मसले की वजह से अब चौथा मसला मुसनफरम से बयान करते हैं इमाम आजम के नजीक वजू करने से जान की हलाकत या उजु के जय होने के खौफ के बगैर नज बीमारी में इजाफे के खौफ से भी तयम करना जायज़ है नज मर्ज के बढ़ने के खौफ से तयम इसलिए जायज है कि मर्ज का बढ़ना मौत का सबब है और मौत जो है उसका खौफ हो या मौत वाकई हो जाए ये दोनों की हैसियत एक ही है अब जब मर्ज के बनने के खौफ से रोजा इफ्तार करना और बैठ कर नमाज पढ़ना जो कि क्याम एक रुकन है उसको तर्क करना ये साकित हो जाता है तो मर्ज का खौफ बदर जो वजू को बदरजा ओला साकित कर सकता है लिहाजा जो नमाज के लिए शर्त भी है तो रुकन तो नहीं है कि यानी के अगर यानी के जैसे कोई शख्स मरीज हो सकता है अगर वो बैठ के नमाज नहीं पढ़ता या अगर रोजा रखता है तो मर्ज बढ़ सकता है जब ये चीजें उन आला चीजों को साकित कर सकती हैं कि बंदा खड़े होकर नमाज भले न बैठ के पढ़ ले रुकन साकित हो सकता है तो यही मर्ज अगर बढ़ रहा हो इस मर्ज का खौफ हो तो ये वज़ू को भी साकित कर सकता है इसलिए कि वहां अरकान साकित हो सकते हैं तो यहाँ तो ये वज़ू शराइत में से है ये भी साकित हो सकता है जबकि इमाम शाफी के नज़ीक तम का जवाब सिर्फ जान की हलाकत या किसी उर्व के जाय होने के खौफ से है लेकिन मर्ज के बढ़ने के खौफ से तयम जायज नहीं है और पांचवी जो वजह इख्तिलाफ है वो है मुसनफरम व जवाज ही लिल ईद से बयान किया कि इमाम आजम के नज़ीक नमाजी ईद के फौत होने का खतरा हो कि अगर वजू करेगा तो नमाज निकल जाएगी अब दीगर मसाजिद में पहुंचने का भी वक्त इसके पास ना हो तो उसके लिए तयम करना जायज़ है इसी तरह नमाजी जनाजे के फोत तो होने का अंदेशा हो कि जब वो वली भी नहीं है कि इसका लोग इंतजार नहीं करेंगे नमाज रह जाएगी तो इसको ये इजाजत है कि तयम करके नमाज में शामिल हो जाए अब ये इमाम आजम के नज़ीक है जबकि शवाफे के नज़दीक इनकी चूंकि कज़ा मुमकिन है लिहाजा तयम करना जायज नहीं होगा और नमाजी ईद तो इमाम शाफी के यहाँ वैसे भी सुन्नत है और छठा जो मसाला है वो ही मुख्तल तहारत से बयान किया कि इम आज़म के नज़ीक चूंकि तयम तहारत मुतलका है इसलिए तयम करते वक्त महज तहारत की नीयत करना भी जायज़ है जबकि माम शाफी के नज़दीक तयम के मतलब दो कौले एक कौल के मुताबिक तो तयम तहारत ही नहीं है बल्कि यह सातर हदस है और दूसरे कौल के मुताबिक तहारत जरूरिया है लिहाजा जरूरत तो फर्ज नमाज की है लिहाजा फर्ज नमाज की नीयत करना जरूरी होगा मुतलक तहारत की नीयत काफी न होगी अगर किसी ने नफल नमाज के लिए नीयत की तो उस तयम से फर्ज नमाज की अदायगी ये जायज़ नहीं होगी ये चंद मुख्तलफी मसाइल थे जो सबका लिए तोहेक की वजह से उसके इख्तलाफ की वजह से आगे ये तफरी पाते हैं जिनको आज हमने समझने की कोशिश की तो आज के सबक में हमने जो सबका इख्तलाफ पड़ा था तम के हवाले से उस पर तफरी पाने वाले कुछ इख्तलाफी मसाइल को पढ़ा है और इस सबक को खुलासा तन जो छः मुख्तलफ़ी मसाए हैं इनको अपने रजिस्टर पर नोट करें अपने दलाल को असबर करें और बिलखसूस इन जवाब

मुशनफ़ अलरम ने जिस मसले की तरफ इशारा किया है उसमें इमाम आजम का मौकफ़ क्या है दलाइल से वाजे करें अल्लाह तबारक वाले से दुआ है जो कुछ हमने आज पढ़ा सुना से याद रखने की तोफ़ीक नसीब फ़रमाए आमीन बजाह नबील अमीन सल्हस